अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइज बरकात इंग्लिश लर्निंग सीरीज के लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि कल हमने डिफरेंट चीजें सीखी थी और उसमें आपको होमवर्क भी दिया गया था, हमने कल डेली रूटीन स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग अप टू नाइट उसके बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो बनाए थे, वो आपको एज होमवर्क भी दिए मैंने। फिर इन सेंटेंसेस में यूज होने वाले वर्ड्स को हमने उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट भी किया था। आज हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं। आपको होमवर्क भी था, आप लोगों ने भी किया होगा। अभी हम यहाँ करते हैं तो आप देख सकेंगे, अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसकी करेक्शन भी आप लोगों के लिए पॉसिबल होगी इजीली करना। मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं वुजू करता हूँ, आई मेक अब्लूशन। मैं कपड़े तब्दील करता हूँ, आई चेंज क्लोथ्स। कपड़ों की कल मैंने बताया था कि जो स्टिच्ड कपड़े होंगे उनको हम क्लोथ्स कहेंगे, जो अनस्टिच होंगे उनको हम क्लॉथ बोलेंगे। मैं मस्जिद जाता हूँ, आई पुट मॉस्क। मैं लोगों को सलाम करता हूँ, आई ग्रीट पीपल। मैं नमाज पढ़ता हूँ, आई ऑफर प्रेयर्स। इट इज प्रेयर्स, हमें याद रखना है नमाज के अंदर एक से ज्यादा रकतें होती हैं, वो उसके साथ हम प्लूरल का वर्ड जो है ना वो एस लगाकर तो प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। आई ऑफर प्रेयर्स। मैं कुरान पढ़ता हूँ, आई रिसाइट होली कुरान। मैं वर्ज करता हूँ, आई एक्सरसाइज। अब यहाँ चेंज जो होता है, मैं ग्राउंड में एक्सरसाइज करता हूँ, आई एक्सरसाइज इन द ग्राउंड। मैं घर में एक्सरसाइज करता हूँ, आई एक्सरसाइज इन द होम। मैं वापस आता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ। अब ये भी हो सकता है आई कम बैक होम। मैं गुसल करता हूँ, आई मेक अ बाथ। मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ, आई आयरन माय क्लोथ्स। मैं जूते पॉलिश करता हूँ, आई पॉलिश माय शूज। मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं होगा, इट इज ब्रेकफास्ट। आई टेक और आई ईट कोई भी हम यूज कर लेंगे। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज इसके लिए जो भी आपका काम होगा आप वो लिख लेंगे। मैं ऑफिस जाता हूँ वगैरह वगैरह। आई गो टू यूनिवर्सिटी। मैं उस्ताद को सलाम करता हूँ, आई ग्रीट माय टीचर। मैं क्लास लेता हूँ, आई अटेंड और टेक क्लास। मैं दोस्तों को मिलता हूँ, आई मीट फ्रेंड्स। मैं कैंटीन और कैफे जो भी वर्ड होगा आप उसको उस हिसाब से लिखेंगे। मैं कैफे जाता हूँ, आई गो टू कैफे। अगर यहाँ कैंटीन हो, आई गो टू कैंटीन। आप जूस पिएंगे तो आप उसको ड्रिंक में ले लेंगे। आप दोपहर का खाना उसको लंच बोलते हैं, आई ईट और टेक लंच। मैं ग्राउंड में खेलता हूँ, आई प्ले इन द ग्राउंड। आई कम बैक होम, आई टेक रेस्ट। मैं होमवर्क करता हूँ, आई डू होमवर्क। आई फिनिश होमवर्क, आई कंप्लीट होमवर्क। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं लड़कों से बात करता हूँ, आई टॉक टू बॉयज। मैं घास काटता हूँ, आई कट ग्रास। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू बाजार। बाजार की जगह पे मार्केट होगा तो यहाँ हम मार्केट यूज करेंगे, उसकी जगह शॉपिंग मॉल होगा तो शॉपिंग मॉल यूज करेंगे। और वर्ड आ गया है तो वो होगा। मैं चीजें खरीदता हूँ, आई बाय गुड्स और थिंग्स। बाय की जगह पे परचेज भी आ सकता है। मैं रात का खाना खाता हूँ, आई ईट और आई टेक डिनर। मैं टीवी देखता हूँ, I watch television. मैं दूध पीता हूँ, I drink milk. मैं बहन को पढ़ाता हूँ, I teach my sister. मैं कमरे में जाता हूँ, I go to my room. I go into my room. मैं सोता हूँ, I sleep. Daily routine के ये तकरीबन 50 sentences बनते हैं। अगर हम इनको understand करें और दो तीन दफा इनकी practice करें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम रूटीन बना के ये बोल सकेंगे और स्लोली स्लोली विद वन वीक आप इसके अंदर फ्लुएंट भी हो जाएंगे। आपने ये नोट की होगी कि हर जगह मैंने मैं जो प्रोनाउन है आई उसको यूज किया है। हम मैं की जगह पे तमाम प्रोनाउन्स चेंज कर सकते हैं। दिस इज अनदर होमवर्क आप लोगों के लिए कि अब आपने अपने से हट के किसी नाउन को यहाँ पे ला सकते हैं। नाउन के अलावा आपके पास डिफरेंट अदर प्रोनाउन्स हैं, वो ही यू दे ही शी।
आप उनको इसके अंदर यूज करें। तो यही सेंटेंसेस और उनकी प्रैक्टिस जो आप देखेंगे कि बहुत इजीली और बहुत दफा आप कर सकेंगे। अपने अलावा इसी के बारे में बात करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा उस मैसेज को दूसरे की तरफ कन्वे करना। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप कि आप इसकी अगेन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।